सो के साथ सभी और वेलकम बैक टू द हार्टगोल्ड वर्जन न्यू डिले में। तो पिछले एपिसोड में हमने सेकंड एलिट फोर कोगा को डिफीट किया था और इस बैटल मैंने अपनी हिल्डा पिक हो चुका है और अपने इस बैटल के लिए मैं अपने हेराक्रॉस को जिसके आप देख पा रहे हेराक्रॉस को मैंने इस बैटल के लिए स्विच किया है। तो अगले बैटल के लिए चलो दोस्तों चलते। ओके गाइस, हम जो है I am the Bruno of the Elite Four. Hello, strength to the extreme because I believe in our potential. That is how we become strong. Can you withstand our power? I see no fear in you. You too look different, determined, perfect for a battle. Ready to? You will be bowed down our overwhelming power. Aha! So here we go, guys. DhruTheGamer versus the Elite Four Bruno Arthur. Elite Four challenge, guys. You are challenged by the Elite Four Bruno. तो उसने ओपन किया है हिटमॉन टॉप से। तो ओके गाइस, मैं जो यहाँ पर हेराक्रॉस से ओपन कर चुका हूँ, तो हम जो यहाँ पर सीधा एरियल एज से जाएंगे, देखते कितना डैमेज जाता है हिटमॉन टॉप के ऊपर। इसके बाद में छः पोकेमॉन हैं यार, छः के छः लोग सभी पहले तो पाँच ही थे। ओके काउंटर, बहुत ही तगड़ा वाला मूव इस्तेमाल किया है इसने। शिट गाइस, मैंने इसका एक्सेप्ट किया नहीं था। सो यस गाइस, एक ही हिट में अपना हेराक्रॉस नॉक्ड आउट हो गया। तो ड्रैगनेट आ गया इस बैटल को तेरे पास, बैट क्योंकि आपको पता होगा ड्रैगनेट पास के ड्रैगनेट के पास भी विंग अटैक है। ओके, तो ब्रूनो ने इस बार फुल डिस्टोर का इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर दोबारा से विंग अटैक से जाऊँगा। ओके गाइस, ओके 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 ओके, तो हिट ऑन टॉप, वन हिट के ओ में डाउन हो चुका है। तो नेक्स्ट अप है मैच चैंप, मैं स्विच नहीं करूंगा दोस्तों मैच चैंप के खिलाफ। लेवल 64, ओके। तो विंग अटैक से मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो हाफ तो हो गई। ओके गाइस, थोड़ा सा ही डैमेज बचा है यहाँ पर। ओके, तो स्टोन एज कमजोरी पकड़ लिया मैच चैंप ने तो हमारी। सिट गाइस, सिट डाउन मत हो। चलो दोस्तों, डाउन तो नहीं हुआ हमारा। ओके, तो मैच चैंप भी डाउन हो चुका है इस स्टोन एज इस विंग अटैक के साथ। तो दो पोकेमॉन तो बैटल से आउट हो चुके हैं। तो थर्ड देखते हैं हम कौन होता है। तो लुकैरियो, तो लुकैरियो के खिलाफ हम टाइप्लोजन को मैं बुलाना चाहूँगा इस बैटल के लिए। तो चलो दोस्तों, लुकैरियो के खिलाफ हम टाइप्लोजन को लेकर आएंगे, क्योंकि लुकैरियो जो है वो स्टील टाइप की एबिलिटी भी है उसके पास। तो मैं उसके खिलाफ अभी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करूँगा। इरप्शन मैंने अपने फाइनल बैटल के लिए बचा कर रखा है दोस्तों, इसलिए अभी इरप्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा नहीं। तो जी हाँ, देखते कितना डैमेज आता है। तो जी हाँ दोस्तों, इट्स वन हिट शो। तो लुकैरियो तो बैटल से आउट हो चुका है। तो नेक्स्ट हिटमॉन ले, तो हिटमॉन ले के खिलाफ मैं किसको लेकर आऊँ यार। तो चलो दोस्तों, तो वापस कर लेकर आया मैं इस बैटल के लिए, देखते कितना। चलो दोस्तों, हिटमॉन ली लेवल 61। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसर दे देता हूँ हिटमॉन ली को। साइकिक था मेरे पास, मैं एक बोल गया। चलो इस बार अगली बार साइकिक का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, हाफ ऑफ एच पी बची है। ओके शिट यार, स्वैगर कंफ्यूज कर दिया यार इसने तो हमें। तो दोबारा से ओके गाइस, ओके तो टोकी किस कंफ्यूज है और हर्ट भी हो रही है यार, शिट। ओके तो ब्लेड्स किक, तो मैं दोबारा से ओके दोस्तों, लोगों की जो है वो स्नैप हो चुकी है दोबारा फटाफट से। तो मैंने एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल जो है वो कर दिया है, देखते कितना डैमेज जाता है हिटमॉन ली को। जी हाँ, हिटमॉन ली इज डाउन। तो देखते हैं नेक्स्ट अप कौन है। हिटमॉन चैन, हिटमॉन चैन, तो किसको लेकर आए यार इस बैटल के लिए। तो स्विच नहीं करते दोस्तों, चलो दो पोकेमॉन ही बचे हैं अभी उसके पास। वो पंच तो देखो यार हिटमॉन चैन का, साइकिक का इस्तेमाल करना चाहूँगा मैं। तो ये कौन सी एबिलिटी है तो किसी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मुझे लगता नहीं है, पता नहीं है मुझे उसको किसके बारे में, ये कौन से यहाँ पर एबिलिटी है यहाँ पर तो वो किसके पास। ओके सब्स्टिट्यूट, ओके तो हिटमॉन चैन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर से तो जाना चाहूँगा बुलेट पंच यार। ओके तो उसकी हाफ ऑफ द एच पी जो है जा चुकी है, तो थोड़ा सा ही बचा है यहाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो है डैमेज खा लिया सब्स्टिट्यूट ने हिटमॉन चैन के। तो वो हिटमॉन चैन सब्स्टिट्यूट फेडेड। तो अभी तो हम यहाँ पर साइकिक
एक्स्ट्रा सेंसरी से हम खत्म कर देंगे, ओके बुलेट पंच दोबारा से आ गया, पर ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं। तो जी हाँ, दूसरा एक्स्ट्रा सेंसरी जो है वो गिर चुका है, और इसी के साथ हिट मॉन्चॉन इज ऑल्सो आउट ऑफ द बैटल। तो देखते हैं उसका अगला पोकेमॉन कौन होता है। हरियामा, वो ओ हरियामा, लास्ट पोकेमॉन हरियामा। फाइट हैज हार्ड एज यू कैन योर फ्रेंड। ओके, तो साइकिक का इस्तेमाल करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, देखते कितना डैमेज जाता है हरियामा के ऊपर। ओके गाइस, हाफ ऑफ द एचपी तो आ गई है, पर यह पर स्ट्रेस भी। तो जी हाँ दोस्तों, हरियामा था उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। तो मुझे लगता है एक और, ओके तो वेलकम वो, तो डिफेंस और अटैक उसने रोज के क्लियर में। तो मैं यहाँ पर सेक्ट्रा सेंसरी से जाना चाहूँगा दोस्तों, तो देखिए कितना डैमेज जाता है यहाँ पर। ओके गाइस, थोड़ा सा ही डैमेज बचा है। ओके लो किक, ओह बहुत बढ़िया मुझे, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम। सो यस गाइस, ओके तो फुल डिशर का इस्तेमाल कर दिया है। तो ओके, तो मैं दोबारा से एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल कर दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना डैमेज जाता है हरियामा के ऊपर। ओके गाइस, हाफ द एक्सपी बची है अभी, तो मैं साइकिक से बोला जाता हूँ। ओके बुलेट पंच, तो चलो दोस्तों लोगों के स्टोन ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो चलो दोस्तों मैं ड्रैगनाइट को लेकर आता हूँ इस बैटल के लिए। तो चलो विंग अटैक से इस बैटल को ख़त्म कर देता हूँ दोस्तों, बहुत ही लंबा चला गया बैटल। और उसके साथ हरियामा इट्स आउट ऑफ द बैटल। 2-4-4-3, वी हैव टू रेडी फॉर ब्रूनो, हाउ कुड वी लूज। 7-6-8-0 फॉर विनिंग। Having lost, I have no right to say anything. Go face your next challenge. So yes guys, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करा मत भूलना। मैं आपको वीडियो को फाइंड कर दिया अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।